के धोए हुए हैं, और ये पानी पता नहीं क्यों आया है। अच्छा वो चारपाई धोई है, चारपाई मेरे घर में इन्होंने बाहर रखी है, उसको धोया और पानी सारा बाहर आ गया। ये देखिए हमारे घर में एक बेबी आ रहा है जी, बेबी का बाहर है बेबी आ रहा है हमारे और कोई नहीं है, हमारा सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के बाद आप बहन भाई और हमारे बच्चे, बस ये हमारे और हमारा कोई भी नहीं है। और आप सपोर्ट चाहिए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, उम्मीद है सब खैर खरे से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और हमारे साथ साथ रहे। अच्छा आज की वीडियो छोटी सी है और आज खुशी की वीडियो है, और खुशी की बल्कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा भाई खुशी की क्या है, वो आगे चल के आपको दिखाते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं, ये देखें यहाँ पर जो है पानी पानी सारा कर दिया, नलके का पानी बाहर आ गया, और ये बाहर क्यों आया इसका कोई पता नहीं है। फिलहाल बेगम ने ये जो कपड़े वगैरह धोए हैं, पता नहीं ये तो खैर मेरे ख्याल में कल के धोए हुए हैं, और ये पानी पता नहीं क्यों आया। अच्छा वो चारपाई धोई है, चारपाई मेरे ख्याल में इन्होंने बाहर रखी है, उसको धोया और पानी सारा बाहर आ गया। ये देखें चारपाई इन्होंने धोई है। अच्छा ये सुबह सुबह मैं आपको दिखाऊँ भी, सहल अब्बास ने जो है बड़ी मेहनत की है, पौधे माशाल्लाह होने शुरू हो गए, ये पौधा खुश्क हो गया और ये भी हो रहे हैं। बहरहाल ये पौधे मेहनत कर रहा है भाई इस पर सहलबास, उसने इनकी मतलब उन गोडी वगैरह की है, और तीनों पौधे माशाल्लाह सही हो रहे हैं। उसके अलावा वो जो है बेले वो भी ठीक हो रही हैं, ये भी हो रही है। अच्छा ये एक चीज़ ये आप देख रहे होंगे भाई, कतरा पड़ा हुआ है। असल में हमारे घर में जो है गैस नहीं है, तो इस वजह से ये जो है ना ये लानी, हम लोग इसको लानी बोलते हैं ना पंजाबी में, ये एक बूटी है, ये खुश्क बूटी है, ये हम लोग जलाने के लिए मतलब वो रखते हैं। और ये फटकियाँ वगैरह यहाँ पे एक छोटा सा काम हो रहा था, मैं हमारे पड़ोस में वहाँ से फटकियाँ कोई बची थी, ये बच्चे उठा के लाए हैं जलाने के लिए, क्योंकि हमारे पास ना गैस है ना लकड़ी है, और यहाँ पे हम लोग बिल्कुल मतलब के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आपको मैंने हर वीडियो में बताता हूँ कि हमारा घर नहीं है, काफ़ी लोग कहते हैं यार अपना गैस लगवा लें, कोई कहता बिजली लगवा लें, ये हमारा घर नहीं है, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं किसी के मकान में, और यहाँ पे दूर दूर तक जो है कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कोई घर, क्योंकि यहाँ पर घर नहीं है, दूर दूर हैं, और यहाँ पर लाइट जो है वो भी दूर दूर है, यहाँ पर लाइट नहीं है, और इस वजह से जो है हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके अलावा जो है लकड़ियाँ ये जो है ये हमें जलानी पड़ती है, और लकड़ियाँ यहाँ से लेने के लिए कम से कम यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहाँ पे जो है टाल बना हुआ है लकड़ियों का, और लकड़ियाँ भी माशाल्लाह यहाँ पे 600, 500, 550 के हिसाब से मतलब वो मिल रही हैं, तो इतनी मेरी हिम्मत नहीं है जो मैं मुल खरीद सकूँ, बस इसी पर हम लोग गुजारा करें, अल्लाह पाक करम फरमाएगा। उससे पहले बेगम से सलाम दुआ ले लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बड़े बड़ा, ठीक हो, उम्मीद है फिर खरीद ना लो, उससे तो मैं भी ठीक हाँ, तो भी लागता नस दस दिता है कि ये तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती पई है। हाँ गर्मी जो है वो वाकई बहुत ज़्यादा है, सूरज जो है सर पे आ चुका है, और इस टाइम 11 बज चुके हैं, और मैंने कहा चलो वीडियो भी बना ले और अपने बहन भाइयों को जो है खुशखबरी भी दे दें, और खुशखबरी क्या है वो मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ। खुशखबरी जो है वो पहले बतानी पड़ती है, अभी बताई नहीं है, फिलहाल बता रहा हूँ भाई हमारे घर में एक बेबी आ रहा है जी, बेबी कब आ रहा है बेबी आ रहा है जल्दी नहीं देना। अच्छा हमारे घर में कितने बेबी आ चुके हैं वो भी आपको बताते हैं, फिलहाल जो है ना वो आपको मैं दिखाऊँ भाई। अभी हम लोग जो है वो मेडिकल से आ रहे हैं, और ये खोल के दिखाओ यार, जी। अच्छा ये तो दवाइयाँ वगैरह लिखी हुई हैं, और ये देखिए ये है जी बेगम की मेडिकल, और उसके अलावा ये दूसरे कागज़ दिखाओ यार, ये तो वो है ना खून टेस्ट वगैरह, बेगम का जो है ना खून बहुत कम है, और खून की कमी पता कदन पूरी हो सी मेरे रात, खून की कमी है, खून की कमी होती है। और ये है जी मेडिकल, और ये देखें जी 29/8/2023 इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, ये है जी बेगम की रिपोर्टें, और इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द जो है हमारे घर में एक नई खुशी आने वाली है, और बस ये आखिरी है आखिरी खुशी है, मेरे वास्ते दुआ करें कि अल्लाह ताला ने ये आखिरी खुशी देवे चा नहीं नहीं इसके इसके अलावा और भी खुशी हो, लेकिन ये जो खुशी है ये आखिरी है, अल्लाह पाक इन्हीं की लंबी जिंदगी करे, बस यही काफ़ी है, और
इसके अलावा दूसरी खुशी अल्लाह पाक हमें दे, जो मतलब हमें अपना घर दे, हमें हमारा यूट्यूब चैनल चल जाए और अल्लाह पाक हमारी आमदनी जो है वो शुरू हो जाए, और हम लोग जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उसके मेहनत जो है अल्लाह पाक उसको कामयाब करे। और बाकी ये मैं आपको बताऊँ कि माशाल्लाह ये हमारे घर में जो है 8वां बच्चा जो है 8 बच्चों की माँ बन चुकी है, 8 बच्चे की माँ तो कोई गुनाह है पिए दे हर कोई हर कांदे बाल है मेरे। और माशाल्लाह जी जी उम्र दे वे चांदे ने तेरे दा दूआ जण बाज जल्दी मेरे मरियम दी बाजी पूछे जण तेरे चोक बच्चे ने मैं के ना है 8 7 बच्चे तो 8 मां बच्चा है ओ तो लग पे ने जण निक्की जी उम्र दे माता नहीं मनेंदी। अल्लाह पाक ये 8वां बच्चा दे और सलामती वाला दे, अल्लाह पाक इसकी लंबी जिंदगी करे, और अल्लाह पाक ये रौनकों वाला और क्या बोलते उसको रहमतों वाला मोहब्बतों वाला अल्लाह पाक दे। और माशाल्लाह मेरे बेटे 4 बेटे 3 बेटी हैं, और ये अब देखना ये है भाई ये 8वां बेटा ये बेटी है, तो हमें तो खैर पता चल गया, लेकिन आपको जो है वो सरप्राइज इंशाल्लाह देंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अपने बेटे से बेटी से जो भी अल्लाह पाक ने हमें दिया हमें दोनों कबूल है, और इंशाल्लाह उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और बाकी ये है भाई माशाल्लाह हमारे जो है घर में रौनक लगी रहती है ना बच्चों की, और ये बच्चों की वजह से तो हम लोग हैं, वरना कब के हम लोग खत्म हो चुके होते जो हमारे हालात है। हमारे और कोई नहीं है, हमारा सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के बाद आप बहन भाई और हमारे बच्चे, बस ये हमारे और हमारा कोई भी नहीं है। और आप हाँ हमारे बहन भाइयों से गुजारिश है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ऐलान भी हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।